हेलो, हाय, नमस्कार। स्वागत है आप सबका रॉयल एस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां डेली न्यूज एनालिसिस करके उन क्वेश्चंस को आपको बताया जाता है जो करेंट अफेयर में या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के फॉर्म में आपको आने वाले यूपीएससी के एग्जाम या अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज आर्टिकल से। वैसे आज का जो थंबनेल अपना है वो है सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा जजमेंट आ गया नया। एक्चुअली दो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आमने सामने हैं और फैसला करना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वैसे तो जो खुद की कमेटी बनाई थी पेगासस को लेकर के, आपको पता होगा पेगासस बहुत बड़ा इशू बना था, ये स्नूपिंग टाइप का था, मोबाइल हैकिंग टाइप का, एक कहा जाए कि वायरस लाया गया था जिसमें मोबाइल हैक कर लिया जाता था, ये सारी चीजें थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक कमेटी बनाई थी जस्टिस आरवी रविंद्रन के लीडरशिप में, इनको चेयरमैन बनाया गया था। यहां आप इनका नाम देख सकते हैं, जस्टिस आरवी रविंद्रन। तो एक तरफ है जस्टिस आरवी रविंद्रन जो कि रिटायर हैं, और दूसरी तरफ है इनके साथ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक कमेटी खुद से बनाई थी, और उस कमेटी का भी चेयरमैन एक रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के, और वो भी बहुत फेमस नाम है, उनका नाम था मदन बी लोकुर, एम बी लोकुर, इनका नाम आप यहां देख सकते हैं। तो अभी जब ये बंगाल के चीफ जज, बंगाल जो कमेटी बनी थी पेगासस को लेकर के, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने उनके इन्वेस्टिगेशन पे रोक लगा दिया है, और ये रोक खुद चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना साहब ने अपने जजमेंट में दिया है। उन्होंने कहा है कि जब एक कमेटी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है आरबी रविंद्रन की, तो फिर दूसरी की जरूरत क्या है, उसका इंतजार करो। सो ये पूरा मामला है पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के दो जज आमने सामने। चीफ जस्टिस ने अनडाउटली उस जज का फेवर लिया है जिसको उन्होंने कमिटी का चेयरमैन बनाया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड कमिटी का। ये आपके यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेगासस सबको याद हो गया है, बट पेगासस से रिलेटेड जो कमिटी बनी है उसके चेयरमैन कौन है या उस कमिटी का नाम क्या है, तो ये रविंद्रन कमिटी के नाम से जाना जाएगा, आरवी रविंद्रन कमिटी के नाम से जाना जाएगा, ये आपको याद रखना है। जो एमबी लोकुर का कमेटी है या स्टेट गवर्नमेंट की कमेटी है, तो स्टेट गवर्नमेंट और भी स्टेट चाहे तो अलग अलग कमेटी बना सकती है, बट जो नेशनल लेवल पर माना जाएगा, जो फर्स्ट बॉडी माना जाएगा इन्वेस्टिगेशन का, वो माना जाएगा आरवी रविंद्रन का। एक्चुअली ये टोटल का जो पूरी बात है, ये सब पैरेलल इंक्वायरी की बात है कि एक इंक्वायरी नेशनल लेवल पे चल रही थी, तो बंगाल गवर्नमेंट को क्या जरूरत है फिर से कमेटी बनाने की? क्या उसे सेंटर के रिपोर्ट पर, चीफ जस्टिस के रिपोर्ट पर, उनकी बनाई गई कमेटी पर भरोसा नहीं है? सो दिस वाज ऑल अबाउट कि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, और ये चलता रहता है, बहुत पुराना मामला है सुप्रीम कोर्ट का ये आपस में। इससे सीधा पता चलता है कि दो जज के बीच में भी आपस में नहीं चीजें बनती है, और ये क्लियर हुआ है कई बार जब आपने अमेंडमेंट वगैरह देखा है, तो आप देखते हैं कि अगर सात जज बैठे हुए हैं तो तीन चार के बहुमत से होता है, तीन कुछ और कह रहे हैं, चार कुछ और कह रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि 2003 में आया, एक एक्ट लाया गया था 2002 में, बट आपको 2002 याद नहीं रखना है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टेच्यूटरी बॉडी है जो पार्लियामेंट के एक्ट से लाई गई है, और पार्लियामेंट के एक्ट से लाए जाने वाले बॉडी को स्टैच्यूटरी कहते हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए बॉडी को, कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका भी नाम है किसी आर्टिकल के अंदर कवर है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाता है। नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी वो होते हैं जो रिजोल्यूशन या प्रेसिडेंट के डायरेक्ट ऑर्डिनेंस विदाउट पासिंग द एक्ट से आएगा, जैसे आपका नीति आयोग है। नीति आयोग ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना ही स्टैच्यूटरी है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टेच्यूटरी बॉडी है। एनीवे, फोकस करते हैं हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को। आज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूज में एक बड़े रीजन के कारण है, इन्होंने 200 करोड़ का फाइन लगाया है अमेजन फ्यूचर डील पर।
आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लेना है अमेजन फ्यूचर डील पर, क्योंकि आप शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाने जा रहे, आप शेयर मार्केट में इंटरव्यू नहीं देने जा रहे हैं। नहीं, आपको ये 200 करोड़ याद रखने की जरूरत है, इसका नोट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको नोट बनाना है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पर। किसी भी न्यूज आर्टिकल में होता यह है कि दो पार्ट होता है, एक पार्ट बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा होता है और वो यहां दिख रहा है कि अच्छा अमेजन पे 200 करोड़ का फाइन लगा दिया, अमेजन तो बहुत बड़ी कंपनी है, हमें जूते चप्पल मंगवाने हो अमेजन को करो भाई, हम एक बुक मंगवाने हो अमेजन को करो। और याद कीजिए अमेजन बुक डीलिंग से ही शुरू हुआ था, पहले ये बुक डिलीवर करता था ओनली। एनीवे, आपका इंटरेस्ट केवल और केवल सीसीआई में होना चाहिए। यूपीएससी कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगी कि सीसीआई ने अमेजन फ्यूचर डील पे कितने का फाइन लगाया है। दिस हैज नो मीनिंग फॉर यूपीएससी और फॉर एन यूपीएससी एस्पिरेंट, बट व्हाट इज सीसीआई, कब ये इफेक्ट में आया, कितने अमेंडमेंट हुए, इसके मेन प्रोविजन क्या है, क्या सीसीआई के ये जो स्लैब किया है सीसीआई ने, इसके अगेंस्ट अब अमेजन कहां जा सकता है। तो इसके अगेंस्ट अब अमेजन जा सकता है एनक्लैट के पास, जी हाँ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास, इसके पास ये अपील कर सकता है अमेजन। कोई भी कंपनी सीसीआई के जो फाइन का एक मीडियम है उसके अगेंस्ट एनक्लैट के पास जा सकता है। सीसीआई का पावर तो आपको पता चल गया कि सीसीआई ना केवल मार्केट में फेयर कंपटीशन हो इसे श्योर करती है, बट वो फाइन भी लगा सकती है। दिस इज द पावर ऑफ सीसीआई, अथॉरिटी ऑफ सीसीआई। क्या सीसीआई इलेक्शन कमीशन की तरह यानी ईसीआई की तरह 3 मेंबर का बॉडी है? नहीं, सीसीआई 7 मेंबर का बॉडी है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है विदाउट किसी राज्यसभा या लोकसभा के, ऐसा कुछ जो प्रोविजन होता है सीबीआई वाले में कि लोकसभा का विपक्ष का नेता भी उसमें सेलेक्ट होता है, जो कमिटी बनती है सीबीआई के चीफ को अपॉइंट करने के लिए। सीसीआई सिंपली सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, एक चेयरमैन और 6 मेंबर होते हैं, यानी टोटल 7 लोग हैं सीसीआई में। सो दिस इज ऑल अबाउट सीसीआई। वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि अगस्त में क्या हुआ था, अमेजन को कितना स्टेक मिला था। अगर आप ये चीजें एक्चुअली पढ़ रहे हैं तो आप ये नहीं सीख रहे हैं कि सीसीआई क्या है। आपको यहां से केवल और केवल सीसीआई के लिए सीखना है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट तो कर ही लिया हमने। एक आर्टिकल आया है, डीयू अलाउज पेड मैटरनिटी लीव। आपको याद होगा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है हमारे यहां एमबीए, लेटेस्ट 2017-18 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था जिसमें क्रेच फैसिलिटी वगैरह दिया गया है। तो आपको इस आर्टिकल को देखकर सीधा सीधा याद आना चाहिए एमबीए, और आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये डीयू है कि पीयू है, पंजाब यूनिवर्सिटी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट क्या है। ये जो पेड मैटरनिटी लीव आप देख रहे हैं ये एक बेनिफिट है इस एक्ट का। ये एक्ट तो वैसे काफी पुराना है, 60s का है, बट लेटेस्ट अमेंडमेंट 2017 में लाया गया था और तब से ये स्ट्रिक्टली अप्लीकेबल है, चाहे वो प्राइवेट बॉडीज में काम करने वाली प्रेग्नेंट मदर हो या इन्फेंट के साथ जो अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है उसकी माँ हो, इन सब के लिए ये वैल्यूएबल है। आप यहाँ देख सकते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लॉयज के लिए भी है, एडहॉक वाले के लिए भी है, तो आपको ये प्रोविजन याद करने हैं। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, नेक्स्ट आर्टिकल है एनबीसीसी फाइन ₹1 करोड़। एनबीसीसी ने फाइन नहीं किया है, एनबीसीसी को फाइन किया गया है फॉर बैन वायलेशन। किसने किया है पहले एक नजर डालते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे सेड दैट इट हैड इम्पोज्ड ए फाइन ऑफ ₹1 करोड़ ऑन एनबीसीसी। तो दिल्ली गवर्नमेंट को तो आप सब जानते ही हैं, यूनियन टेरिटरी का गवर्नमेंट केजरीवाल साहब, उनकी गवर्नमेंट ने ₹1 करोड़ फाइन किया है एनबीसीसी पर। 1 करोड़ मैटर नहीं करता है, मैटर करता है ये एनबीसीसी है क्या। एनबीसीसी एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर में आने वाला एक नवरत्न कंपनी है। दिस इज अ नवरत्न कंपनी। आपको पता होगा महारत्ना नवरत्ना ये कैटेगरी होता है हमारे कंट्री में, इंडस्ट्रीज को ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है। जैसे आप एनटीपीसी है तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो कौन से कैटेगरी में आता है। फिलहाल एनबीसीसी एक नवरत्न कंपनी है, इंडिया के 9 रत्न में से एक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर आता है।
इसका पूरा नाम है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, NBCC, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, सीसी फॉर कंस्ट्रक्शन एंड कॉरपोरेशन। दिल्ली गवर्नमेंट ने फाइन लगाया इन पे कि आप रात में गैर कानूनी तरीके से जो वैन लगाया गया था उसे वायलेट करके भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। तो NBCC एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, नवरत्न कंपनी है। अब ये मामला जाएगा कोर्ट में, हाईलाइटेड रहेगा, न्यूज में रहेगा, फिर UPSC के पेपर में आएगा। तो आपको NBCC याद रखना है। उसके ठीक साइड में एक और न्यूज दिख रहा है कि दिल्ली कोर्ट सेज एक्शन अगेंस्ट पान मसाला फर्म ऑन एडवर्टाइजिंग स्टेज। दिल्ली गवर्नमेंट ने पान मसाला फर्म पे जो एक्शन लिया जा रहा था उसके एडवर्टाइजिंग पे, है ना, कदमों में दुनिया वाला, उस पर रोक लगा दिया है। ये रोक कौन से एक्ट से लगता है? एक एक्ट है कोटपा, इसको बोलते हैं कोटपा। कोटपा का मतलब होता है, बहुत सिंपल चीज है, आपको याद रखना है आपसे, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, C4 सिगरेट, O4 अदर, T4 टोबैको, P4 प्रोडक्ट एंड A4 एक्ट। यहां मेंशन भी है, देखिए, सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट। तो ये पान मसाला इस टोबैको प्रोडक्ट में आता है कि नहीं आता है, इसके बिहाव पे स्टे लगाया गया है। एक्ट में बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसपे की खूब जिरह किया जाता है और केस हारना जीतना इसी पर निर्भर करता है। फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है कि हमारे कंट्री में 2003 में एक एक्ट लाया गया था कोटपा, ये उन तमाम चीजों को रेगुलेट करता है जो टोबैको प्रोडक्ट से रिलेटेड है, चाहे उसका एडवर्टाइजिंग हो, चाहे उसका सेलिंग हो या परचेजिंग हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक बहुत बड़ा एडवर्टाइज दिख रहा है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस प्रदेश। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा कि एक्सप्रेस प्रदेश है कि स्लो प्रदेश है, लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली UPSC, UPPCS इनका पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि ये गंगा एक्सप्रेस कहां से कहां जोड़ती है, किसे और किसे जोड़ती है। तो ये मेरठ जो कि दिल्ली के पास है, यहां से शुरू होकर के और ये इलाहाबाद जिसे प्रयागराज कहा जाता है वहां तक जाती है। अगर आप UPPCS के स्टूडेंट हैं तो आपको ये भी याद रखना है कि ये कौन कौन से मेन शहर से होकर के गुजरती है। यहाँ पे देखिए मेंशन है, ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है सहारनपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, संभल, बदायूं, बुलंदशहर, हापुर, अमरोहा। तो रायबरेली आप भूलने का नुकसान नहीं कर सकते, आप हरदोई या शाहजहांपुर को भूलने का नुकसान नहीं कर सकते, ये फेमस सिटी है, वहां के फेमस प्लेस है वहां के। लेंथ इसका अगर UPPCS आप देने जा रहे हैं तो लेंथ आपको मालूम होना चाहिए, 594 किलोमीटर है और ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है। सो कहीं और से पढ़ने की बजाय आप यहां से इसे याद रखेंगे। आपके बाद गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से प्रयागराज को कनेक्ट करती है, 594 किलोमीटर यूपी का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आया है कि आईसीएमआर आजकल हर दिन न्यूज में होता है, सेम जैसे कोविड हर दिन न्यूज में होता है। आईसीएमआर का मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कब की बॉडी है ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, कब एस्टेब्लिश किया गया था। एक्चुअली आईसीएमआर होने से पहले IRFA हुआ करता था, इरफा नाम होता है, आपको आसानी से याद हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये इरफा नहीं है, इरफा है। इरफा का मतलब है इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। इसे बनाया गया 1911 में। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, जिस साल बंगाल का पार्टीशन को रिस्टोर कर दिया गया था, जिस साल विक्टोरिया को प्रोक्लेम किया गया था क्वीन ऑफ इंडिया, जॉर्ज पंचम के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर ने जनगण मन गाया था, अधिनायक जय हे, आप ही सब कुछ हैं। ये वही साल है 1911 जब इरफा बनाया गया, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। यही इरफा
1949 में आजादी के दो साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन को एडेप्ट करने के एक साल पहले और 26 नवंबर 1949 में उस ईयर में, ये सारे ईयर वो हैं जो आप समझ रहे होंगे आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो, कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट्स व्हाई मैं इनका नाम ले रहा हूं। ये 1949 में ICMR बनाया गया, ठीक है। यूपीएससी क्वेश्चंस घुमा के पूछ सकती है कि इनिशियली ICMR वाज एस्टेब्लिश्ड एज इरफा, वो करेक्ट है 1949 में ICMR इरफा ICMR कन्वर्ट कर दिया गया, इरफा का इनाम चेंज करके ICMR कर दिया गया। अब दो बातें कर लेते हैं कि ICMR करता क्या है। ICMR इंडिया में एपेक्स बॉडी है, टॉप मोस्ट बॉडी है, जो फॉर्मुलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, प्रमोट करता है बायोमेडिकल रिसर्च को। बायोमेडिकल रिसर्च से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड सारी चीजें ICMR के अंदर आती है, प्रमोशन, कोऑर्डिनेशन, फॉर्मुलेशन, यहां तक कि इम्प्लीमेंटेशन तक। ऑब्वियसली ICMR हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा टर्म मैं यहां ऐड कर देता हूं, ICMR ने 2007 में एक रजिस्ट्री बनाया है जिसका नाम है क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री, CTR। यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ सकती है आपसे, CTR इज ए बॉडी अंडर ICMR, बिकॉज ये वही क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री है जहां से कोविड के किसी भी वैक्सीन को होकर पास करना पड़ेगा। ये 2007 में बनाया गया है, ये ICMR के अंदर काम करने वाला एक बॉडी है। फिलहाल जो आज के न्यूज में ICMR आया है उसके पीछे ये है कि ICMR ने एक कोविड डायग्नोस्टिक किट को, ये पता लगाने वाले किट को कि किसी कोई कोविड पॉजिटिव है कि नहीं है, उसे अप्रूव कर दिया है। ऐसे बहुत सारे किट हैं, किट्स के नेम इंपॉर्टेंट नहीं है, ICMR के फंक्शन इंपॉर्टेंट है। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट डायग्नोस्टिक किट्स के मेथड क्या होते हैं, जैसे कुछ आपके नसल्स का यूज करते हैं, नाक में स्वैब जो होता है उसको लेते हैं, कुछ दूसरे मेथड को यूज कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंट मेथड पता होना चाहिए, ना कि डायग्नोस्टिक किट का नाम याद करना है हमें। मैं बार बार कहता हूं कि जिस दिन आपने ये सीख लिया कि क्या नहीं पढ़ना है, उस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दिल्ली हाई कोर्ट कॉल्स फॉर स्विफ्ट डिस्पोजल ऑफ यूअप्पा ट्रायल, यूअप्पा कह लें, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट, राइट। अनलॉफुल एक्टिविटीज इंडिया में कब से शुरू हुआ, अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें तो एक्चुअली फर्स्ट टाइम 1967 में तब के पीएम और प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट्रियंस को ये रियलाइज हुआ कि यहां पर एक ऐसा एक्ट होना चाहिए जो अनलॉफुल एक्टिविटीज को प्रिवेंट कर सके और करने वाले को सजा दिया जा सके। एक्चुअली जो ओरिजिनल उप्पा है ये 30 दिसंबर से आपको याद आ रहा होगा, गांधी जी याद आए होंगे, बाकी आप समझते हैं। 30 दिसंबर 1967 को उप्पा लाया गया, 1967। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं टाइम टू टाइम। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है 2019 का, उसमें किसी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है। ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है 2019 का। हमें इसके हिस्ट्री में नहीं जाना है, प्रेजेंट में उप्पा क्या करता है, उप्पा के क्या क्या राइट्स हैं, ये एक्ट है, ये कोई पर्सन या बॉडी नहीं है, ये एक्ट है। तो एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस हैं, नॉट एग्जैक्टली राइट बट प्रोविजंस, मेरे कहने का मतलब है कि एक एंटिटी तो बना ही सकते हैं उप्पा को, तो उस हिसाब से उप्पा क्या क्या कर सकता है हमारे साथ। उप्पा एक इंडिविजुअल को टेररिस्ट बना सकता है, इस पर अभी हाल फिलहाल में काफी हंगामा हुआ था, खूब हंगामा हुआ था कि ये गलत है, ये तो किसी को भी फंसाया जा सकता है। ये 2019 के अमेंडमेंट का है। उप्पा का ओरिजिनेशन 30 दिसंबर 1967 का है। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने स्विफ्ट एक्शन की डिमांड की है, क्योंकि उप्पा के अंदर जो बंद हैं, उप्पा के कारण जो जेल में बंद हैं, उनको बेल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट हो या जेएनयू के स्टूडेंट हो, काफी हाईलाइटेड रहा है पिछली बार।
इसमें डिफरेंट डिफरेंट पावर दिया गया है डिफरेंट डिफरेंट डिजाइनेशन को। जैसे एनआईए को पावर है कि वो किसी भी स्टेट में उपा के तहत वहां के डीजीपी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके और एक्शन ले सकता है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। एक दिल्ली हाट, ये हमेशा दिल्ली हाट का फेयर लगता है, इस बार जो चर्चा में है स्टेट इनफैक्ट यूनियन टेरिटरी वो लद्दाख है, जो थीम है वो लद्दाख है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। चैलेंज ऑफ अचीविंग 9.5% ग्रोथ रेट, ये जो 9.5% ग्रोथ रेट की बात की जा रही है क्या ये ऑफिशियल है? जी हाँ, ये वही रेट है जो आरबीआई ने और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2021-22 के लिए अनाउंस किया है। आईएमएफ और आरबीआई का कहना है कि 2021-22 में इंडिया का ग्रोथ रेट एनुअल 9.5% होने वाला है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड आईएमएफ दोनों ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि पेपर मार्च में है आपका या मई में है यूपीएससी का पेपर और जनवरी में ये डाटा चेंज कर देंगे 2021-22 का। ये 2021-22 का इन्होंने प्रोजेक्ट किया है तो ये फिक्स रहेगा कुछ मंथ के लिए, एक दो महीने में ही चेंज नहीं हो जाएगा। एक और सवाल कि ये डाटा रिलीज कौन करता है जीडीपी वगैरह और जीवीए से, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो ये एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है। आपको याद होगा हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीएसओ और एनएसओ को मर्ज कर दिया है और केवल एक ऑफिस रहने दिया है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो यही जीडीपी और जीवीए का डाटा रिलीज करती है। फर्दर आप और डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्शन क्या है उसके लिए इस आर्टिकल के गो थ्रू हो सकते हैं। आर्टिकल लिखने वाले बहुत ही स्कॉलर पर्सन है सी रंगराजन, उनके बारे में और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये पीएमओ में इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में रह चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। फॉर डिसेबल्ड सिटीजन्स टू हैव द पॉलिसी दे डिजर्व, ऑलरेडी हमारे कंट्री में अब डिसेबल यूज नहीं होता है, ये लिखने वाले की गलती है। ये जो आर्टिकल लिखा है इसने, ये जो दो सज्जन और एक सज्जनी दिख रही हैं राहुल बजाज और दामिनी घोष, इनसे पूछा जाना चाहिए पहले तो ये कि आपको इतना पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसेबल की जगह स्पेशली इनेबल्ड, दे आर नॉट डिसेबल्ड, यू आर यूजिंग द रॉन्ग टर्म। और नो डाउट आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही होंगी, ज्ञान बांट रही होंगी कि ये एक्ट होना चाहिए, ऐसे हो गया यहाँ वहां, ऐसे हो गया सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। आप देख सकते हैं इनका यहाँ एक जजमेंट इन्होंने मेंशन किया है, पाटन जमाल वाली वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। मैंने माना आप बहुत बड़े लॉयर होंगे, बहुत बड़े जज होंगे, बट यू आर नॉट यूजिंग द प्रॉपर टर्म, यू आर इंसल्टिंग द स्पेशली इनेबल्ड पर्सन, दे आर नॉट डिसेबल्ड, डेफिनेशन हैज बी चेंज्ड, यू विल नॉट फाइंड ए क्वेश्चन वेयर डिसेबल्ड विल बी मेंशन, इफ इट इज मेंशन इट इज ऑल्सो द रॉन्गनेस ऑफ यूपीएससी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक्ट लाया है ऐसे सिटीजन्स के लिए उनका नाम, उसका नाम है स्पेशली एबल्ड नॉट डिसेबल्ड, और ये लाया गया था एक्ट 2013-14 में लाया गया है। आप डिटेल में एक बार चाहें तो देख सकते हैं इसको जाकर। सोइंग द सीड्स ऑफ ए डिजास्टर, ये आउट ऑफ आपके कैप्चरिंग की बात है। फिलहाल दो दिन से हमारे प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि केमिस्ट्री को लैब से बाहर लाओ, केमिकल जो फार्मिंग हो रहा है उससे दूर चल करके नेचुरल फार्मिंग की तरफ चलो। तो ये आर्टिकल कोई खास नहीं है, इस आर्टिकल के थ्रू एक पेज में जाने के आपका टाइम देने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब भी हमारे कंट्री में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके बारे में आप खुद डिसाइड करें। ये IUML इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इसने कहा है कि जो चाइल्ड मैरिज एक्ट में जो एज को मूव फर्दर आगे बढ़ाने का प्रोविजन है उसे हम अपोज करते हैं, ये 18 साल को सही मानते हैं, 21 साल को सही नहीं मानते हैं। तो पब्लिक को डिसाइड करना चाहिए कि ऐसे पार्टीज के साथ क्या होना चाहिए। एनीवे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अभी लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू, इन्होंने लोकसभा में कल एक रिपोर्ट दिया है, उसमें इन्होंने बताया है कि 52 मामला जो हैबियस कॉर्पस से रिलेटेड है पेंडिंग है। बहुत ग्रेव कंसर्न की बात है,
हैबियस कॉर्पस वो रीट होता है जिसमें सीधा बॉडी को रिप्रेजेंट करने की बात की जाती है, बॉडी गायब रहता है, आदमी गायब है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालता है उस आदमी का परिवार कि प्लीज आप ऑथोरिटी को बोलिए कि मेरा आदमी है कहां, ना तो जेल में है ना थाने में है कहां, या तो उसका एनकाउंटर कर दिया गया है या वो किसी एक्सीडेंट में मर गया है, कुछ तो रॉन्ग हुआ है। ऐसे 52 मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। अनडाउटली बहुत कंसर्न का सब्जेक्ट है ये वही सुप्रीम कोर्ट है जहां पे 1 रुपया प्रशांत भूषण पर चार्ज लगाने का टाइम तो इनके पास है 2020 में, लेकिन उसी 2020 में इनके पास इस रीट को सुनने का टाइम नहीं है। पब्लिक को अवेयर होना चाहिए, एक कंसेंसस बनना चाहिए इन चीजों के पीछे। किसान आंदोलन करने के लिए टाइम है लोगों के पास, लेकिन ये 52 जो हैबियस कॉर्पस का मामला है इसके लिए ना तो कोई एनजीओ है ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है। एक आर्टिकल आया है फकरा, FCRA फकरा, ये FCRA रेगुलेटिंग बॉडी है जो फाइनेंस रेगुलेट करती है, फॉरेन से मिलने वाले फाइनेंस को रेगुलेट करती है। ऑब्वियस ही बात है एनजीओ नंबर वन पे होते हैं फॉरेन फाइनेंस एडमिट करने रिसीव करने के मामले में। तो जो फकरा लाइसेंस है ये दिया जाता है उन एनजीओज को व उन बॉडीज को जो अपना दिखाते हैं पूरा डिटेल अकाउंट का कि देखिए हमें इतना यहां से इस कंट्री से मिला, इतना इस ऑर्गेनाइजेशन से मिला। 3 माइनॉरिटी एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन थे, सिंपली 3 एनजीओ कहना चाहिए। ये द हिंदू न्यूज पेपर की चालाकी है कि उसने माइनॉरिटी शब्द जोड़ा है। एनजीओ है, एनजीओ काम ही करता है माइनॉरिटी के लिए। ऐसा कौन सा एनजीओ है भाई जो मिलियनेयर्स या बिलियनेयर्स के लिए काम करता है? वो एनजीओ बनाएंगे क्या? वो तो क्लब बनाएंगे। एनजीओ का मतलब ही है फॉर सम गुड कॉज, फॉर माइनॉरिटी, फॉर डाउन ट्रॉडन। तो माइनॉरिटी एनजीओ ये द हिंदू का एक अपना बैड इनोवेशन है। ये फोकस करना चाहता है कि ये वो एनजीओ थे जो माइनॉरिटीज के लिए काम कर रहे थे। एनजीओ हमेशा माइनॉरिटीज के लिए काम करता है, बिलियनेयर्स क्लब बनाते हैं ना कि एनजीओ बनाते हैं वो। फिलहाल ये पावर यूनियन होम मिनिस्ट्री के पास है, यानी फकरा होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो थोड़ा सा डिटेल में हम बात करते हैं फकरा के बारे में। ये फकरा यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में लाया गया। कब लाया गया ये? 2010 में। ईयर इंपॉर्टेंट है, 2010 में लाया गया पार्लियामेंट में, यानी ये एक स्टेच्यूटरी एक्ट है, स्टेच्यूटरी प्रोविजन है। इस प्रोविजन में ये मेंशन है कि अगर कोई एनजीओ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करेगा अकाउंट में तो उससे ये लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा, उस एनजीओ का अप्रूवल खत्म हो जाएगा, उस एनजीओ की मान्यता खत्म हो जाएगी। तो ये जो 3 एनजीओ हैं इन्होंने ऐसा ही कुछ किया है तो इनका लाइसेंस ले लिया गया, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। एक कंसर्न चीज दिख रहा है यहां पे, अपोजिशन क्राइज फुल ओवर फॉल ओवर रिसेंट पीएमओ ईएसआई मीटिंग। प्रधानमंत्री की जो ऑफिस है पीएमओ और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन दोनों की मीटिंग हुई थी। यूपी जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, वो आधा यूरोप है अपने आप में, साउथ अमेरिका जो कंटिनेंट है, अफ्रीका नहीं, कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, साउथ अमेरिका में जितना पॉपुलेशन है अकेले यूपी में है। उस स्टेट में इलेक्शन होना है और ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और टीएन सेशन ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इसको इंपावर करने में, उसका पीएमओ के साथ मीटिंग एक कंसर्न का सब्जेक्ट है अनडाउटली। ईएसआई एवरग्रीन टॉपिक है। एक यहां पे होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। हमेशा मेजोरिटी से डिसाइड किया जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी भी मामले में इलेक्शन कमिश्नर से सीनियर और जूनियर कोई नहीं है वहां पे, जस्ट बात मेजोरिटी की होती है। फर्दर इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए वही प्रोसेस है जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसेस है, जबकि इलेक्शन कमिश्नर को जो चीफ नहीं है उसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन के बाद प्रेसिडेंट हटा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ये सब बहुत ही ईएसईसीआई सीसीआई और जितने भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, सीसीआई कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है अभी हमने डिस्कस किया था, ऐसे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके मेंबर, इनका
टाइम पीरियड, इनके डिसीजंस कभी कभी, ये सारे इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। कोविंद साहब कालीवाड़ी में पूजा कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मोदी भक्त ये भी बन रहे हैं नो डाउट। और कालीवाड़ी मंदिर है कहां? ढाका में। तो ये हाईलाइटेड रहा है काफी, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन कोई कसर ना छोड़े, बहुत अच्छे से पढ़े आप उसे। WHO ने सीरम इंस्टीट्यूट का एक वैक्सीन आया है कोवोवैक्स, कोविशील्ड की बात नहीं कर रहे हम, ये कोवोवैक्स है। WHO ने इमरजेंसी नोट दिया है इसे। WHO हमेशा चर्चा में रहा है, बहुत बार अपन डिस्कस भी कर चुके हैं, तो कुछ खास इसमें नहीं है, बस इतना याद रखें कोवोवैक्स सीरम इंस्टीट्यूट का जो कि पुणे में है, इसका एक वैक्सीन है और ये यूनिवर्सली अप्रूव्ड है। अब हमारे राजनाथ सिंह जी का कहना है कि फ्रांस तैयार है और राफेल जेट देने के लिए, कहो तो और मंगवा लें और जरूरत है तो। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अपने फ्रेंच काउंटर पार्ट यानी वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर या सेक्रेटरी हैं फ्लोरेंस पार्ली, दिल्ली में कहीं आना जाना हो रहा है इनका, कहीं श्रद्धांजलि देने जा रहे होंगे किसी घाट पर, राजघाट या किसी और समाधि घाट पर। मोदी जी को भूटान का टॉप सिविलियन अवार्ड मिलने वाला है। जब ये PM बने थे उसके 3 साल बाद अवार्ड इनको खूब मिला था, सऊदी अरबिया उधर इजिप्ट सबने अपना सारा सर्वोच्च अवार्ड इन्हीं को दे दिया था। इस साल पहला जो ऐसा कुछ होने वाला है वो भूटान का टॉप सिविलियन अवार्ड जाना है इनको, ऑर्डर ऑफ डायरेक्ट गैल्पो बोलते हैं उसको, ये देखिए यहाँ मेंशन है। तो बस इतना याद रखो भूटान का टॉप सिविलियन अवार्ड मोदी जी को जाएगा इस बार। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। इकोलॉजिस्ट अपोज चेंज टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2002 BDA 2002 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मैनेजमेंट अथॉरिटी BDMA, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट अपने आप में इसका ईयर ही इंपॉर्टेंट है, तो 2002 2000 के बाद जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं इनका ईयर डेट कौन से डेट को आया ये भी इंपॉर्टेंट है। जनरली इन्वायरमेंट वाला कब आएगा, इन्वायरमेंट का आएगा 5 जून को, 5 जून को इनेक्ट किया जाएगा क्योंकि 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं हम। वैसे ही बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कब आएगा, फैब में, अब फैब में किस डेट को मनाते हैं ये आप बताना हमें कमेंट बॉक्स में। सो इसके थ्रू गो थ्रू जाएं, कोई ऐसा कुछ डिसीजन नहीं है, बस गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लाना चाह रही है उसके अगेंस्ट ये आर्टिकल आया है, गवर्नमेंट के लिए एक वार्निंग है कि ये गलत है भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ईडी अटैच, ईडी का काम ही यही है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, जिसके पास ज्यादा संपत्ति है वो ब्यौरा नहीं दे पा रहा है, कहां से आया अटैच करो भाई उसको। रशिया ड्राफ्ट पैक टू लिमिट US नाटो रोल इन एक सोवियत नेशंस, आपको याद होगा रशिया पहले रशिया नहीं था, सोवियत यूनियन कहलाता था, यूनियन था वो सोवियत कंट्रीज का। 90s में आफ्टर अफगानिस्तान ट्रायल रसिया ने जो इन्वेशन किया था अफगानिस्तान का, उसके बाद इसे टूटना पड़ गया, रसिया सोवियत यूनियन टूट गया, रसिया एक कंट्री बन गया, यूक्रेन अलग कंट्री बन गया, ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं, लेकिन आज भी रसिया सबसे इमोशनली कनेक्टेड मानता है खुद को और उन्हें एक सोवियत नेशन कहता है। चूंकि नाटो जो कि 49 का ऑर्गेनाइजेशन है, नाटो अलायंस है ये, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कहें तो ज्यादा बेहतर है, US इसका लीडर है नो डाउट अनडाउटली। और नाटो का एक रिजोल्यूशन है कि मान लो 3 कंट्री है, सपोज करो एग्जांपल में इंडिया पाकिस्तान एंड USA, अगर पाकिस्तान और USA नाटो का मेंबर है, इंडिया नाटो का मेंबर नहीं है जो कि फैक्ट है, तो अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है तो वो हमला US पर भी माना जाएगा। ये नाटो का रिजोल्यूशन है कि अगर नाटो मेंबर के किसी एक कंट्री पे अटैक हुआ तो बाकी कंट्री पे अटैक माना जाएगा, सब मिल करके लड़ेंगे। तो इसके अगेंस्ट नाटो का रोल जो एक सोवियत नेशन में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, रशिया ने एक ड्राफ्ट पैक्ट लाया है, जब ये कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बनाएगा या कुछ खास होगा तो फिर से न्यूज में होगा, फिर से हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले आर्टिकल में।